शपथ दिलाएंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अंकित दुदानी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अंकित, 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब रघुवीर कादियान प्रोटेम स्पीकर की शपथ ग्रहण करेंगे। तीसरा मौका होगा जब प्रोटेम स्पीकर के तौर पर तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इतिहास भी है कि चार बार प्रोटेम स्पीकर के तौर पर डॉक्टर रघुवीर कादियान रह चुके हैं, अभी ये चौथी बार है। अच्छा। और सातवीं बार कहें तो वो विधायक चुन करके आए हैं बेरी से, तो हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कहीं ना कहीं एक इतिहास भी रचा जा रहा है कि चौथी बार आप प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सभी विधायकों को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। ये तो खैर देखने की बात है जी, रिकॉर्ड देखने की बात है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ गवर्नर हाउस, वहाँ गवर्नर साहब जो है मुझे वोट दिलाएंगे। और नॉर्म्स के हिसाब से जैसे एक एमएलए को जो है वो गवर्नर साहब वोट दिलाते हैं, और वही एज ए प्रोटेम स्पीकर जो है वो हाउस में जाते हैं, दूसरे मेंबर्स को वोट दिलाते हैं। तो उसके बाद मैं हाउस में जाऊँगा और 11 बजे जो है हाउस शुरू हो जाएगा, और सेक्रेटरी ऑफ द विधानसभा जो है वो अनाउंस करेंगे कि भाई गवर्नर हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर कादियान एज ए प्रोटेम स्पीकर, तो वो वोट दिलाएंगे मेंबर्स को। तो मैं जो है प्रोटेम स्पीकर फिर दायित्व मेरा है कि पहले मैं सबको मुबारकबाद दूंगा, उनका स्वागत करूंगा, और फिर उनको जो तरतीब है वो उनको बताएंगे कि पहले मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, फिर मंत्रीगण साहिबान, और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, फिर महिला सदस्यगण, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसके बाद जो है प्रोटेम स्पीकर विल आस्क ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के भाई आप जो है स्पीकर के लिए कोई नाम, तो वो पुट फॉरवर्ड करेंगे एक नाम। उसके ऊपर अगर यूनानिमस बनता है तो प्रोसीजर अलग है, अगर दूसरा कोई और आता है तो प्रोसीजर अलग है। तो इफ केस के एक ही नाम आया तो वो जो है हाउस जो है उसको यूनानिमसली इलेक्ट करता है, देन आई विल वैकेट द चेयर एंड दी न्यूली इलेक्टेड स्पीकर विल ऑक्यूपाई दी चेयर। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े सम्मान की बात होगी, क्योंकि आप बेशक कांग्रेस से चुन के आए हैं, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, लेकिन आपको सम्मान मिल रहा है। नेचुरली वो तो मेरे को नहीं है, ये मेरे बेरी हल्के की छत्तीस बरादरी की जनता का मान सम्मान है, मेरी पार्टी का भी मैं जो है वो है, हमारे नेताओं का भी जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट्स है, मिले कोई मेरे अपने मतलब नहीं है, तो इसलिए मेरी हल्के की छत्तीस बरादरी का बहुत। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अभी खाली रहेगी सर, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के साथ थे, और उन्होंने बताया है कि वो अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं, गवर्नर हाउस में उनकी शपथ होगी, और उसके बाद जो है वहाँ जब विधानसभा सत्र के अंदर वो पहुंचेंगे 11 बजे, तो फिर वो सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे, और पूरा जो प्रोग्राम जो आज विधानसभा का रहने वाला है वो उनके द्वारा बताया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित, आप नजर बना के रखें आज का दिन हरियाणा विधानसभा के लिए।